पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच से पहले पाकिस्तान पर टूटा दुखों का पहाड़। 3 खिलाड़ी हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को जल्द से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के लिए अचानक से एक खतरे की घंटी बज गई है। दरअसल इन दिनों वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंची है। यहां उसे 13 दिसंबर से T20 और वनडे की सीरीज खेलनी है। उससे ठीक पहले ही वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ी समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। ऐसे में अब सीरीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह जानकारी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के CEO जॉनी ग्रेग ने दी है। उन्होंने बताया है कि वेस्ट इंडीज टीम में शामिल रहे 3 प्लेयर्स सेल्डन कॉटरेल, रोस्टन चेज और काइले मेयर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके अलावा एक गेयर कोचिंग स्टाफ भी संक्रमित हुए हैं। रिपोर्ट के बाद तीनों खिलाड़ियों को T20 सीरीज से बाहर कर आइसोलेट कर दिया गया है। जॉनी ग्रेग ने कहा है कि टीम पर कोई खतरा नहीं है, ऐसे में दौरा जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आने के बाद प्रोटोकॉल के तहत कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। सीरीज पर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बाकी खिलाड़ियों का टेस्ट नेगेटिव आया है। दूसरे टेस्ट कराची पहुंचने के बाद हुआ, उनमें भी बाकी सभी प्लेयर्स नेगेटिव आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण दौरा रद्द होना मुश्किल है। कारण यही है कि हमारे ज्यादातर खिलाड़ी CPL के समय से ही बायो बबल में रहे हैं। सिर्फ यह 3 प्लेयर्स ही संक्रमित हुए हैं, जो दुखद है। इससे हमारे तैयारियों पर असर नहीं पड़ेगा। 13 दिसंबर को होने वाले पहले मैच की तैयारियों को लेकर टीम प्रैक्टिस के लिए उतरी है। तीनों संक्रमित प्लेयर्स को फुल वैक्सीन लगाई गई है। उनमें अब तक कोई लक्षण भी नहीं दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान दौरे पर वेस्ट इंडीज की टीम को यहां 3 T20 और इतने ही वनडे की सीरीज खेलनी है। सभी मैच कराची में खेले जाएंगे। दौरे का आगाज T20 सीरीज से होगा। तीनों मैच 13, 14 और 16 दिसंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज 18, 20 और 22 दिसंबर से होगी। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसी साल सितंबर में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरा रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान बोर्ड को बड़ा झटका लगा था। न्यूजीलैंड टीम तो पाकिस्तान आकर सिक्योरिटी कारण से बिना कोई मैच खेले ही लौट गई थी, जबकि इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।